Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Khana Mansa Shehzadi. Welcome to Javed Publishers. We are reading 5 plus English reading book. Our today's topic is use of verb. Yes, aaj hum exercise mein verb ko kaise use kar sakte hain aur koi questions ho to un questions mein hum kaise verbs ko istemal karte hue apne sentence mukammal kar sakte hain ye seekhenge. To chaliye aaye chalte hain apne lesson ki taraf. Okay students, look at the pictures and write the answers. Tell me, who is she? This is Aksa. What is she doing? Yes, she is reading. Yes, ye padh rahi hai. What is this? This is a cow. What is the cow doing? Yes, the cow is grazing. Very good. This is Ahmed. Ahmed kya kar raha hai, zara dekh ke batao. Yes, what is he drawing? He is writing. Very good. Okay, अब इन तस्वीरों को गौर से देखना है और ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. अब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस मुकम्मल करेंगे. फिल इन द ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं? प्लेइंग, वॉशिंग, लुकिंग. आपको तस्वीरें देख के पता चल गया होगा. द मैन इज, यस, washing his car. Very good. The boy is looking at the aeroplane. Very good. The cat is playing with a ball. तो देखा, आज हमने अपने स्पीच में अपने वर्ब्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाए हैं. डियर टीचर्स, आप इसी तरह से बच्चे को, क्योंकि हमने डेली रूटीन में बच्चे से जो भी बात करनी होती है उसमें हम वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, ईटिंग, रनिंग. तो हम इनका इस्तेमाल बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं. आप क्लास में या बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखेंगे या आप बच्चों से वैसे ही वर्बली पूछेंगे कि फला बच्चा क्या कर रहा है. आप कुछ बच्चों को टास्क देंगे कि वो अपनी बुक के ऊपर लिखने की एक्टिंग करें. तो जब वो लिख रहा होगा तो आप बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या कर रहा है, तो बच्चे बताएंगे राइटिंग. कुछ बच्चे पढ़ेंगे तो आप बच्चों से पूछेंगे ये क्या कर रहा है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे ये रीडिंग कर रहा है. इसी तरह आप बच्चों के सामने ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, जो भी आप करना चाहें वो आप उनके सामने करके सेंटेंस को बनाना बच्चों को सिखाएंगे. उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.